आइए आपको लेकर के चलते इस वक्त की धार जिले की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है धार जिले के धामनोद से, जहां धामनोद में धनसिंह कॉलोनी में रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरे मामले में धनसिंह कॉलोनी के ही रहने वाले आरोपी युवक विकास, जो कि प्रोफेसर है, के द्वारा उक्त 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। घटना का खुलासा पीड़ित बच्ची द्वारा अपनी सहेली को उक्त युवक के घर चलने की बात को लेकर मना करने के बाद हुआ है। दोनों बच्चियों की बात सुन रही एक महिला ने मासूम बच्ची को बुलाकर विश्वास में लेकर जब बात की तो इस युवक के इरादों का पता चला और सोमवार देर रात धामनोद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और युवक को हिरासत में भी ले लिया है। उक्त युवक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है और उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और जब घर में कोई नहीं रहता था तो आरोपी विकास मासूम को घर ले जाता था और गलत काम करता था। फिलहाल धामनोद पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामनोद नगर के धनसिंह कॉलोनी से एक छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इस पे बच्ची के पेरेंट्स ने थाने पे आके बताया था कि पड़ोस में रहने वाले विकास पिता प्रभुदयाल जायसवाल 41 वर्ष उम्र का व्यक्ति है, जिसने उनके बच्ची ने आज खेलने के दौरान अपनी किसी माता को बताया कि लगभग 1 माह पूर्व उसके साथ उसने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की बात बताई, जिस पर से माता पिता आए। महिला अधिकारी, हमारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बच्ची से बात करके उसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करके आरोपी को से गिरफ्तार किया जाएगा। सर, वर्तमान में जो कहीं ना कहीं जो विकास क्या कर रहा है, कहाँ अभी तक की जो जानकारी उससे पता चला है, वो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज? एम्स, धामनोद में स्थित एम्स इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और माचलपुर मंडलेश्वर का रहने वाला, धामनोद में यहाँ किराए से अपने परिवार के साथ गया।